प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन पे है। और इसमें लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था कि डिफरेंशिएशन हमने बताया भी था, और लास्ट का जो कंक्लूजन निकला है कि फिजिक्स के लिए हमें जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं डिफरेंशिएशन बेस्ड, वो बेसिकली है क्या। फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन बन कर गया है कि वेलोसिटी को कैसे निकालना है, तो dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो dx अपॉन dt यानी डेरिवेटिव ऑफ, सो क्या कहते थे, डेरिवेटिव ऑफ, ये हमारा डेरिवेटिव कहलाता है ना, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या देगा, इट गिव द वेलोसिटी। यानी हमें पोजीशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी dx अपॉन dt ये हमको डिफरेंशिएट करना है, इससे हमको वेलोसिटी निकलेगी। और ऐसे एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो ये dv अपॉन dt से निकलेगा। तो अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन, या ऐसे देख लो कि अगर हम पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दें तो तब भी हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी हम लोग सिंपल बताए थे कि जो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या सिंगल एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, और पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसके लिए हमने बहुत सिंपल सा एक फार्मूला बताया था, आप देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला एक बार फिर से रिकॉल कर लो, dx अपॉन x के पावर n, x पावर n को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हमारा फार्मूला आएगा n x के पावर n माइनस 1। ये सिंपल सा फार्मूला है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, ये हमारा जीरो होता है। ये दो फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, सब बाकी या एक और याद कर लो, d अपॉन dx और सिर्फ x को डिफरेंशिएट करो तो हमारा ये 1 आ जाएगा। तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से लगते जाएंगे। तो एक एक करके प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास पहला प्रॉब्लम आ रहा है। पहला प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच ए वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट एक्स वेरीज विथ टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया है, एक्स इज इक्वल टू 2 - 5t + 60 स्क्वायर। क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले तो आप करो कि वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो dx अपॉन dt से निकलेगा। यानी हमें करना क्या है, हमको यहाँ पोजीशन को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ देखो पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद तुम डायरेक्ट खुद भी इस क्वेश्चन को बिना इस कई स्टेप्स के, यानी बहुत सिंगल स्टेप में आप उसको कर सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करते तो ये दो हमारा कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा, और डी टी का डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, और ये प्लस 6 होगा, ये 2 हमारा सामने आ जाएगा, और ये फिर से आ जाएगा टी। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 + 12t, ठीक है, ये हो गया 12t। अब हमें क्या पूछा है, पूछा है कि द इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी बता, तो टी जीरो कर लोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ -5 m/s। यानी हमारा जो ऑप्शन ए है, ये इसका आंसर ही हमारा ये करेक्ट हो गया, और हमारा वेलोसिटी आ गई -5 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि पोजीशन एक्स का जो वेरिएशन है टाइम के हिसाब से, वो क्या दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू 80² - bt³। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन एट टाइम टी विल बी इक्वल टू जीरो वेयर टी इज, यानी आपको कर बताना है कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये एक्स को डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आएगा, ये 2a t - 3 bt² अगेन एक्सेलरेशन निकालो, यानी इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, तो 2a - 6 bt। एक्सेलरेशन को जीरो करना है, क्वेश्चन का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो 2a - 6 bt = 0। यहाँ से टाइम क्या निकलेगा, 2a / 6b, दैट इज 1/3 a / b, ए बाई थ्री
या अपॉन 3v, इतने समय के बाद इसका क्या एसेलेशन जीरो हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाई, देखो इक्वेशन दे रहा है कि 4s, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जहाँ m हमारा कांस्टेंट है, ट्वाइस n भी हमारा कांस्टेंट है, और ये t के पावर कैसा है 4 है। तो क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट, यानी ये वेलोसिटी निकालनी है। तो s इज इक्वल टू पोजिशन ये हो गया एम अपॉन 4 कर लो, और ये प्लस यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/2 n t के पावर 4 हो जाएगा। वेलोसिटी निकालते हैं यानी ds अपॉन dt, यानी पोजिशन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 4 n t के पावर 3, दैट इज ये हो जाएगा ट्वाइस n t के पावर 3, ये हमारा हो गया, दिस इज द वेलोसिटी एट इंस्टेंट, वेलोसिटी आ गई कितना आ गया ट्वाइस n t के पावर 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t² प्लस ट्वाइस, ठीक है। कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय t³ t³ - 3t² + 2t, डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो पहले कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालिए कब, जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाए तब। तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी निकाल कर एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकलेगी 3t² - 6t + 0, और एक्सेलरेशन निकलेगा 6t - 6 + 0 ही है, एक्सेलरेशन जीरो कर दो। तो यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ गया, t = 1 सेकेंड के बाद हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में एस के वैल्यू वाले पुट कर देते हैं, टी के वैल्यू 1 है, 1³ - 3 1² + 2, दैट इज ये फाइनली हमारे पास फिर से ये जीरो आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया है, वाई इज इक्वल टू क्या आया है, 2t² + 3t + 4, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और पूछा कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 0 and t = 3 सेकेंड के लिए इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप याद करो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं y1, यानी y1 का मतलब t = 0 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसको पुट कर दोगे यहाँ पे t = 0, तो यहाँ y1 कितना आ गया 4 मीटर आएगा, और y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा ट्वाइस, t की वैल्यू हमने पुट की है 3, तो 3² + 3 × 3 + 4, तो ये हो गया 3 × 9 = 18 हो गया, 3 × 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ऐड कर लो 8, 8 = 16, 17 = 21, 31 मीटर आ गया। इस तरह से हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ये 31 - 4 डिवाइड टाइम कितना लगा 3 - 0, ठीक है, हो गया 28/3, और ये 27 होगा ना, ये 27, तो 3 9 कितना हो गया 9 m/s, यानी हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके वेलोसिटी क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी 9 m/s। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, x = at + bt² - 6t³, बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है, और क्या कर रहा है, ये ABC हमारे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दो बार। तो पहले आप क्या करो, पहले तो आप इसका आप निकाल लो एक्सेलरेशन, पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ए प्लस ट्वाइस बी टी माइनस 3c² एक्सेलरेशन ए निकालो, ये जीरो हो जाएगा, ट्वाइस बी माइनस 6c t, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया ट्वाइस बी माइनस 6c t,
ये हमारा हो गया एसिलेशन, ट्वाइस बी माइनस सिक्स सी टी, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि आप देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग इक्वेशन दिया है, इक्वेशन हमारा दिया है इक्वेशन का दिया है y इज इक्वल टू, देख लो y इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन टी प्लस सिक्सटीन टी प्लस टू, ये दे रखा है ना। अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टेक्स टू कम टू रेस्ट, तो कम टू रेस्ट का मतलब आप पहले वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी निकालोगे तो ये हो गया टू बाई थ्री इंटू यहाँ ट्वाइस टी हो जाएगा प्लस सिक्सटीन प्लस जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो करना है तो माइनस फोर टी बाई थ्री प्लस सिक्सटीन। पूछा क्या है हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टेक कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट यानी कितने समय में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो निकाल लो यहाँ से टाइम, वेलोसिटी जीरो कर लो, दिया है क्वेश्चन में कि इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो तो टाइम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू थ्री अपॉन फोर ये हमारा हो गया टाइम, ये हो जाए अच्छा फोर फोर जाए सिक्सटीन दैट इज 12 सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी जीरो, ये पार्टिकल हमारा रेस्ट में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, क्या निकल क्या ना व्हाट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ से ट्वाइस ए टी माइनस थ्री बी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस यहाँ हो जाएगा आपका सिक्स बी टी, आपको क्या करना है एक्सेलरेशन को क्या करना है जीरो करना है, एक्सेलरेशन जीरो कर दो ट्वाइस ए माइनस सिक्स बी टी, आप यहाँ से निकाल लो टी इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस ए अपॉन सिक्स बी दैट इज वन बाई थ्री ए अपॉन बी, इतने समय के बाद हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू टाइम एक्स इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन दिया गया एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी के पावर क्यू, अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है वेलोसिटी आपसे पूछा है वेलोसिटी कितना होगा कब जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो पहले यहाँ वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी हो गया ए प्लस ट्वाइस बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकालो ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ट्वाइस बी और ये सिक्स सी टी हो गया, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए एक्सेलरेशन जीरो कर लो तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो हमारे पास आ गया ट्वाइस बी माइनस सिक्स सी टी, सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस बी अपॉन सिक्स सी दैट इज वन बाई थ्री बी अपॉन सी, ये निकल गया टाइम। इस ड्यूरेशन इस टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी का इक्वेशन देखो v इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है a प्लस ट्वाइस बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, तो a तो हमारा रह जाएगा प्लस ट्वाइस b, टाइम कितना है तो b अपॉन थ्री सी है, ठीक है माइनस थ्री और ये क्या है c, क्यों c रहने दो, t कितना है तो b अपॉन थ्री सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा नाइन, यानी आप इसको लिख सकते हो a प्लस इसको देखो ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी हो जाएगा और ये माइनस थ्री थ्री ये हो गया थ्री सी कैंसिल होगा थ्री सी अपॉन ये हो गया बी स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस कितना आंसर आएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने देखो बेसिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस हैं, ऐसे इतने क्वेश्चन लगा लेंगे आपको बहुत ही काफ़ी मदद मिल जाएगी और भी आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, थैंक यू।